हेलो फ्रेंड्स, मेरा जयमान आपको अपने नए चैनल फायजाज किचन में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन, जिसके लिए हमने लिया है ऑलमोस्ट 1 kg बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए चिकन को। और इतना बड़ा पीस आप ले सकते हो, इससे छोटा भी आप ले सकते हो। और उसमें एक चीज़ आपको और दिखाना है, इसमें एक अच्छे से कट लगे हों, गहरे कट लगे हों, ताकि जो हम मसाला इसमें ऐड करेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो उसके लिए इसमें कुछ दही है हमने ली है, और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कलर है, नमक है, कुछ गरम मसाला, धनिया, मिर्ची और हल्दी। यहाँ पे कुछ हमने मसाला पीसने के लिए लिया है, यहाँ कोरिएंडर है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पुदीना, नींबू, ये सारी चीज़ें हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पीसने के बाद इसको बारीक पीसना है, ताकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। जैसा आप देख सकते हो कि ये मसाला पीस गया है, अभी इसको हम सारा का सारा इसको चिकन में डाल देंगे अपने ऐसे ऊपर से, बाद में हम इसको अलग से इसको मिक्स करेंगे। फ़िलहाल मैं ऐसे हमें रेंडमली इसको ऐसे डाल देना है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट आप 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हो, ताकि ये अच्छे से इसमें कोई चिकन की वो ना आए बदबू। और दही डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसको टेंडर बनाएगा। और इसमें हम नींबू भी ऐड करेंगे, ताकि नींबू डालने से भी थोड़ा सा टेस्ट भी आता है, और जो मीट है वो टेंडर जल्दी हो जाता है। सारा का सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अब धनिया पाउडर थोड़ा सा भी डालना ज़रूरी है, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। सारी चीज़ें आप नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, कि आप जैसा नमक खाते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ी सी हल्दी डालना है इसमें हमें। अब हमें कलर डालना है, जो फूड कलर होता है वो कलर हमें यूज़ करना है, रेड कलर में। इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है, ताकि ये जो कट लगाया है हमने सारा का सारा, उसमें जो मसाला है वो एब्जॉर्ब हो सके, और सारे मसाला भी आपस में मिक्स हो सके। अब उसमें हमें लेमन डालना है, जो हमने नींबू 2 काट के रखे थे। सारा का सारा स्प्रेड कर देना है, एक बार हल्के से उसको मिक्स कर देना है। और इसको हम कम से कम 3 घंटे के लिए रखेंगे। वैसे तो हम इसको पूरी रात इसको रखने वाले हैं, सुबह इसको हम बनाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 3 घंटे इसको रखिए। तो चलिए सुबह मिलते हैं आपसे। ये पूरी रात मैरिनेट होने के बाद आप ये देख सकते हो कि थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हुआ है, बिकॉज़ कि हमने इसमें दही और नींबू यूज़ किया था। अब हमने ये जो हमारा ये ओवन है, आप इसको किसी भी जो बर्तन की दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस तरह का आप ओवन ले लीजिए, उसमें आप उसको प्री हीट कर दीजिए पहले से। फिर चिकन के जो पीसेस हैं उसको अरेंज करना है अच्छे से हमें, सारे एक साथ नहीं अरेंज करेंगे हम, पहले 4 पीस रख के इसको बनाएंगे। 5 मिनट के लिए इसको पकाना हमें, 5 मिनट बाद हम फिर से देखेंगे। तो 5 मिनट बाद ये अब हल्का सा एक तरफ से कुक हो चुका है थोड़ा सा, तो हम इसको पलट लेंगे अच्छे से, और दूसरी तरफ से भी हमें इसको ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए 5 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हो कि पीस थोड़ा सा हार्ड हो चुके हैं, इस मीन कि एक थोड़ा सा कुक हो गए हैं। 5 मिनट पकाना है हमें इसको। अब 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये 50% से ज़्यादा ये कुक हो चुका है, अंदर तक ये पकना शुरू हो चुका है। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा हिला लीजिए, और इसको अच्छे से अरेंज करना होता है, क्योंकि इसमें जो आँच है वो बीच में ज़्यादा लगती है, तो बार बार आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो पीस रहती है वो जल जाएगी। आप इसमें हल्की सी ब्रशिंग कर दीजिए, ऑयलिंग करके, या फिर आप बटर लगा सकते हो, बटर से भी ज़्यादा टेस्ट आता है। मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा फैटी में नहीं बनाना चाहता इसको। इसको हल्का सा आप जो लो फ्लेम पे आप इसको पकाना है आपको 15 से 20 मिनट तक। आप देख सकते हो कि इसको हमने पकाया है, और एक तरफ से ये बहुत ज़्यादा कुक हो चुका है, और सारे के सारे पीसेस को हमको पलटना है। फिर से इसमें हमें हल्का सा ऑयल लगाना है, पलटना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक अच्छा सा कलर भी मिले। देखने में भी अगर खाना अच्छा लगता है तो भी उसका खाने का मज़ा बढ़ जाता है। अब देख सकते हो कि इसको हमने
अच्छे से ब्रश करके अब इसको दोनों तरफ से पकाने के बाद आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है और अब थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आने लगा है, क्योंकि जो इसको ऑयल है वो नीचे जाके जब गिरता है तो हल्का सा स्मोक ऊपर आता है, तो हल्का सा स्मोकी फ्लेवर ये आपको लगने लगा है। अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट बाद अब ये मैजिक देखिए, क्योंकि जो ऑयल है वो अच्छे से अब उसमें टपक रहा है और ऑयल टपकने से जो थोड़ा उसमें आग लग गई है और इसके ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा इसका रेड कलर आया है। अब इसको फुल फ्लेम पे हम पकाएंगे ऐसे ही रख के। अब आपको थोड़ा सा इसका क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ। ये आप देखिए कलर कितना शानदार कलर आया है। आप बिल्कुल मार्केट में भी जब जाओगे तो इतने अच्छे तरीके से पका हुआ आपको नहीं मिलेगा और मार्केट से अच्छा टेस्ट आपको ये घर पे भी मिल सकता है। लेकिन ये अवन जो है ये काफ़ी काम का है, इसे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते रहते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। इसे आप ट्राई कीजिए, ऑनलाइन भी आपको मिलेगा और बर्तन की दुकान पर भी आपको ये मिल जाएगा। ये हमारा चिकन पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको अच्छे से सर्व करेंगे। आप देख सकते हो कि हमने इसके लिए लिया है एक लंबा सा डिश और उस पर हम इसको अरेंज करेंगे इस तरह से। अब हम इस पर थोड़ा सा गार्निश करेंगे, थोड़ा सा लेमन आप डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, लेकिन गार्निश करने में थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा अनियन इस पर हम डालेंगे। तो ये गर्मा गर्म दोस्तों आप इसको चाहे सॉस के साथ खा सकते हो, सॉस नहीं है तो भी ये ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर चाट मसाला इस पे थोड़ा डालना चाहते हो तो आप इस पे डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।